हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैक्सिमम रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है ये, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लगातार ये टेम्परेचर आगे बढ़ता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मियों की अब छुट्टियां भी हो चुकी हैं और आगे आने वाले सालों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी, इसका अनुमान बहुत सारे लोग लगा भी रहे। तो रेलवे बोर्ड का जो ये लेटर है ये इसी के रिगार्डिंग है, आप लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे है, रेलवे कार्यालयों में एयर कंडीशनिंग का प्रावधान भवन एवं अन्य रेलवे केंद्रों के संदर्भ में, प्रोविजन एयर कंडीशनिंग इन रेलवे ऑफिसेज, बिल्डिंग्स एंड अदर रेलवे सेंटर्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में अभी जैसे डीएफसी है या मेट्रो है, ये जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें सब जगह लगभग एसी लगे हुए हैं, लोग बहुत अच्छे से काम, जो काम की इफिशियंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है जब आपका वर्किंग नेचर, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके आसपास का एनवायरनमेंट आपके अनुसार होगा, मतलब जैसे कि नॉर्मल रहना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उस समय इफिशियंसी घटती ही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस लेटर में बताया गया है कि भैया जो एयर कंडीशनिंग है बहुत जगह पे लगा दी जाए, क्योंकि इसमें देखो ये वाली बात बताइए, इस संबंध में ये उल्लेख करना जरूरी हो गया है कि कार्यस्थल पर काम करने की उचित स्थिति कर्मियों के कुशल कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यस्थल पर उचित तापमान बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे अधिकांश कार्यस्थलों पर पर्याप्त वेंटिलेशन के प्रदा, दोनों चीज़ों के बारे में बात हुई है कि आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है और वहाँ का वेंटिलेशन की भी सुविधा अच्छी खासी होनी चाहिए। अब किन लोगों को इस चीज़ का फायदा होने वाला है उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, DRM ऑफिस में तो मैक्सिमम हो ही रखा है पहले से ही, AC वगैरह हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है नहीं जहाँ जो DRM ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। आजकल क्या है, जो बड़े स्टेशन्स हैं वहाँ पे भी सब जगह AC लग चुकी हैं, पहले स्टेशन मास्टर वगैरह के ऑफिस में भी AC नहीं होती थी, तो अब वहाँ पे भी AC वगैरह लगना स्टार्ट हो गई हैं काफ़ी जगह पे, जो कस्बे हैं या बड़ी जगह हैं वहाँ पे AC लग चुकी हैं। तो अब बाकी जगह के लिए भी बोला गया है, तो इंग्लिश वाला लेटर पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, हिंदी में सही से ट्रांसलेशन नहीं हो पाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लेटर है अंडर रेफरेंस डायरेक्शंस, यहाँ से यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने बोला है कि प्रोविजन ऑफ द एयर कंडीशंस इन रेलवे ऑफिसेज, बिल्डिंग्स एंड अदर सेंटर्स वेयर इन रेलवे वर एम्पावर डिसाइडेड ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग विद द अप्रूवल ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर और GM। आपको ये जैसे किसी भी डिवीजन में DRM है या जैसे नॉर्दर्न रेलवे उसके लेवल पे GM है, तो इनकी परमिशन के द्वारा जितनी जगह जरूरी है वहाँ पे AC लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस एट वर्क प्लेस आर इम्पोर्टेंट फॉर इफिशियंट वर्किंग ऑफ पर्सनल। इसके अलावा लिखा गया है, ये बोल रहे हैं कि इफिशियंट जो वर्किंग है, अगर आपको वो चीज़ करानी है, या मान लीजिए आपको, देखिए ये सबको पता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, तब आदमी सही से काम नहीं कर पाता है, तो उसकी इफिशियंसी पूरी तरीके से हम यूज़ कर पाएँ जितना उसमें इफिशियंसी है, तो उसके लिए टेम्परेचर भी वैसे ही होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स यहाँ मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ द वर्क प्लेस विच कैन बी अचीव्ड एट द मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेसेस थ्रू प्रोविजंस ऑफ, यहाँ पे लिखा है एडिकेट्स, ये समझ नहीं आ रहा, वेंटिलेशन अलोंग विद द सर्कुलेशन, मतलब ये पूरा साफ से लेटर नहीं है लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी हुई है। उसमें यही बोला गया है कि भैया जितनी जगह पॉसिबल हो DRM और GM को इन्फॉर्म करने के बाद वो लोग जिस जहाँ जहाँ अप्रूवल दे देंगे वहाँ वहाँ एयर कंडीशनिंग लग जानी चाहिए। इसी के साथ साथ अभी मैं ALP की भी बात करूँगा, लोको पायलट्स की भी बात करूँगा। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो है, इसके अलावा ये उल्लेख करना जरूरी है कि इन्होंने बाद में बात करा कि फर्दर इट इज़ सो मेंशन दैट द एनर्जी कंजर्वेशन, जो उसके बारे में बात हुई है नेट जीरो कार्बन इमिशन की जो बात हो रही है 2030 तक, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा और मैक्सिमम जगह पे AC वगैरह लगाने की बात हुई है, और ये ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे बात करें भारत सरकार रेल मंत्रालय, ये देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, 15 मार्च को ये लेटर आया था, उसके बाद अभी ये 30 तारीख की न्यूज़ है। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तब वो आप लोगों को मेरे पास बैक स्टेज पे है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा लेटर है जो यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है, इस चीज़ को देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसके अलावा लिखा है फर्दर इट इज़ टू मेंटेन दैट द एनर्जी कंजर्वेशन इज़
वन ऑफ द स्ट्रेटजीज बीइंग टू अडॉप्टेड बाय इंडियन रेलवेज टू अचीव इट्स मिशन ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय 2030 देयरफॉर इन ऑर्डर टू अचीव दिस एनी एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल लोड शुड बी यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें लिखी गई हैं कि भैया DRM और GM की हेल्प से बहुत ही आसानी से जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप बताइए वहाँ पर AC का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये एक बेस्ट खबर है। इसके अलावा मैं बात करूँ लोको की, तो देखो लोको के बारे में भी बहुत पहले से बात चल रही है कि भैया इनमें जरूर से जरूर ये फैसिलिटीज़ आनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे जो न्यू लोकोमोटिव है, जैसे ये 4G लोकोमोटिव है या 6G लोकोमोटिव है, ठीक है, ये जो पावर है इनके अंदर तो आ ही रहा है। अभी जितनी भी नई पावर बन रही है, जो WAG 9 बन रही है पावर, HC, ये H, ये जितनी भी पावर बन रही हैं HH, ये सारी की सारी जो नई पावर बन रही हैं वो विद AC ही आ रही हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी पुरानी पावर भी हैं जिनमें AC नहीं है, तो उसके लिए भी बात चल रही है, लगातार यूनियंस भी बात करती रहती हैं। रेलवे बोर्ड का अगर ये लेटर आया है ऑफिसेज के लिए, तो निश्चित तौर से प्रायोरिटी में उस चीज़ को भी रखा जाएगा और ये वाली बातें भी रखी जाएंगी कि जब ऑफिसेज के टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी है तो रेलवे के लोको के अंदर जहां सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर 45+50 तक टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है चारों तरफ, आप लोगों को पता है कि किस तरह की कंडीशंस रहती हैं, पीछे भी कितनी मशीनरी चल रही होती है, तो इस चीज़ को अगर देखा जाए, देखिए जब लोको चल रहा होता है तब भले ही टेम्परेचर कम रहता हो हवा के प्रेशर और एसर से, लेकिन जब लोको खड़ा हो गया और धूप में कहीं पे लोको खड़ा है, जैसे मालगाड़ियां वगैरह हैं वो बहुत टाइम तक खड़ी भी रहती हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आज भी अगर बात करें तो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि भैया हम बैंकिंग में जॉब करना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि AC में बैठते हैं आराम से, सब सही रहता है। भाई टेम्परेचर और ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, अगर सही कल्चर इन्वायरमेंट होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, आदमी अपना काम आसानी से करता रहता है। तो इन सारी चीज़ों को अब आगे ये लोग इसका प्रोविज़न कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी और बहुत जगह पे हो भी रही हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी बात बताई गई है कि DRM और GM की अनुमोदन से एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता के बारे में स्वयं निर्णय लिया जा सकता है। मतलब अगर DRM और GM सर ये आदेश दे देते हैं कि यहाँ पर एयर कंडीशनिंग होनी है तो वहाँ पर एयर कंडीशनिंग हो जाएगी। तो गाइज ये आप लोगों के लिए था और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इसके अलावा जो हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी हैं उन लोगों के साथ आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं अभी, बहुत